हम मैच देखने आए थे, हम पांच टिकट ले रहे थे, पांच लोग थे। उन्होंने टिकट चेक किया, बोले तो बोले कि जाने नहीं देंगे सिक्योरिटी का इशू करके। वो फिर अंदर ले जा रहे थे तो हम बोले कि नहीं, जहाँ से हमारी टिकट हम वहीं पे बैठ के देखना चाहते हैं मैच। उन्होंने पहले तो टिकट ही नहीं दिया, अभी हम पाँच मिनट तक छः मिनट तक उनसे बहस करते रहे कि टिकट दे दो, हम जहाँ पे देखना चाहते हैं वही देखेंगे। वो बोले कि हम क्योंकि सिक्योरिटी इशू है, वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। हम बोल रहे हमें वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए ही नहीं, हम नॉर्मल इंसान, हम नॉर्मल सीट पे बैठ के देखेंगे। जाने नहीं दिया। फिर हम वापस आने लगे तो अभी इधर रोक रहे हैं कि नहीं नहीं अभी चलो अभी चलो, ना तो जाने दे रहे ना आने दे रहे। वो पता नहीं क्यों इशू क्रिएट करे। हम बोले कि हम कुछ नहीं ले रहे, सिर्फ हम अपनी टी शर्ट पहन रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, आराम से बैठ के मैच देखेंगे, टिकट ले रहे हैं, कोई इलीगल काम नहीं करे कुछ भी। तो वो तो हमारा अधिकार है आई थिंक। वो तो मतलब जो कितने जन और कितने टिकट लेके आए, पांच लोग थे और पांच ही टिकट थे हमारे पास। साक्षी क्या, साक्षी और बजरंग क्या इशू हुआ अभी आप मैच देखने आए? देखो हमारे पास अपनी टिकट थी पांच और पांच हम जने थे, तो मैच देखने अंदर जा रहे थे लेकिन जाने नहीं दिया। पहले तो टिकट ले ली हमारे हाथ से और हमने बोला कि हमारी टिकट तो दे दो स्कैन करके कैसे भी करके, तो टिकट नहीं थी पहले तो। और फिर बोले कि हम आपको एक कैबिन में बिठा के दिखाएंगे। हम बोले हमारी हम जहाँ टिकट है, जहाँ हमारा सीट नंबर है, वहाँ बैठ के देखेंगे, जो कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं देख सकते, इसलिए हम वहाँ बैठे। आप देख सकते हैं कि जो तीनों रेसलर्स हैं, इन तीनों को जाने नहीं दिया। रेसलर प्रोटेस्ट से आए थे, ओलंपिक मेडलिस्ट को आज जो क्रिकेट का मैच था आईपीएल का वो नहीं देखने दिया और पुलिस ने इनको रोक लिया है। और ये जो नज़ारा है ये फिरोजशाह कोटला मैदान के बाहर का है। दिल्ली पुलिस ने और जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने सारे पहलवानों को रोक रखा है, घेर रखा है। तो ये अभी की ये अपडेट है।